हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल इन जारविस कैंपस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अब तक हमने जो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ा राइट तो अभी समझो कि आप लोग ने कभी ऐसा देखा है कि कोई फूड का कोई पैकेट लेते या फिर घी का कोई पैकेट लेते समझो कि यहाँ पे घी का एक पैकेट लिया तो यहाँ पे घी के पैकेट के ऊपर हमने देखा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है प्योर घी या फिर आप लोगों ने कभी ऐसा आ, सॉल्ट का कोई पैकेट लिया तो वहाँ पे लिखा होता है कि प्योर आयोडाइज्ड सॉल्ट तो आप लोगों को कभी ऐसा सोचा है कि ये प्योर प्योर क्यों लिखा हुआ होता है यानी कि अभी आप ऐसे प्योर यानी कि अब हम तो ऐसे ही समझे नहीं है कि ये जो पैकेट के अंदर घी है वो एकदम प्योर है पर ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना साइंटिस्ट लोग वो क्या कहते हैं कि ये जो प्योर लिखा हुआ होता है ना इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है यहाँ पे कुछ मिक्सिंग है राइट जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे कि मिल्क तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि मिल्क क्या है तो आप बोलोगे सर मिल्क तो प्योर ही होता है ना उसमें क्या मतलब ऐसा मिला सकते हैं लोग बट साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि मिल्क इज मिक्सचर ऑफ द वाटर प्रोटीन एंड फैट यस तो कि मिल्क क्या है वाटर प्रोटीन एंड फैट का मिक्सचर है ऐसा बोलते तो अभी आप लोगों को अगर समझे कि ये एक सिंपल सा मिल्क है वो भी अगर प्योर नहीं है तो आपको एक क्वेश्चन होता होगा ना कि इज मैटर्स इन आवर सराउंडिंग इज प्योर यानी कि हमारी आसपास में जो भी मैटर्स होते वो क्या प्योर होते हैं तो ये चैप्टर में हम यही सीखने वाले कि व्हाट इज़ द मिक्सचर व्हाट इज सॉल्यूशन अगर हमने कभी दो मैटर्स को अगर हम क्या कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं तो उसको सेपरेट किए कैसे किया जाता है या फिर कोई दो वाटर या फिर कोई दो मैटर का सोल्यूशन अगर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे या फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में भी हम पढ़ने वाले तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ थैंक यू